सर जैसे कि आपने अभी बोला कि मन को भटक में ना दे, लेकिन सर इतने सारे मतलब इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है एंड इन दिस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड हाउ टू स्टे फोकस, हाउ टू मेक कंसिस्टेंसी ऑन योर ऑन आवर स्टडीज. आई अवॉइड ऑल ऑफ माई डिस्ट्रैक्शंस, सोशल साइट्स, एवरीथिंग, बट माई प्रॉब्लम इज ऑनली दैट आई कांट मेक कंसिस्टेंसी. क्योंकि हमें तो सारी फैसिलिटीज आगे क्यों मिलती है, सब हमारे सामने रख दिया जाता है, बेटा ये भी है, ये भी है, ये भी है, जो खाना है खाओ. तो हमें उस चीज की वैल्यू पता नहीं चल पाती. कैसे करें फोकस, कैसे करें कंसिस्टेंसी, कैसे मेंटेन करें, बस मेरा इतना सा क्वेश्चन है. क्या नाम बताया आपने? वर्षा कुशवाहा. वर्षा कुशवाहा के सवाल बड़े अच्छे हैं. आपके भी मन में ऐसे सवाल हैं? मन भटकता है, भटकता है, इधर उधर तितर बितर होता है, सोचा कुछ और कहीं और चला गया. एक छोटी सी कहानी. गांव के क्षेत्र में एक पति पत्नी रहा करते थे. पानी की बड़ी कमी थी, वहां पानी नहीं मिलता था. छोटे छोटे बच्चे थे. छोटे छोटे बच्चों की प्यास बुझाने के लिए अक्सर घर के जो पिता थे वो दूर जाया करते थे और पानी भर कर लाया करते थे. एक दिन घर की स्त्री ने माँ ने कहा कि ऐसा करते हैं हम कुआं खोदते हैं, ऐसा करते हैं हम कुआं खोदते हैं अपने ही घर के बाहर अपने खेत में, और पानी निकल जाएगा तो निश्चित तौर से हमें समय की बर्बादी नहीं होगी, भटकेंगे नहीं. तो पतिदेव कहते हैं कि सुनो कल तुम काम करना, मैं कुआं खोदूंगा. दिन भर पति कुआं खोदते हैं और शाम को लौट करके आते हैं और कहते हैं पत्नी से कि सुनो आज तो पानी निकला नहीं. पत्नी कहती है कोई बात नहीं, कल मैं कुआं खोदूंगी, आप घर का काम करना. दूसरे दिन माताजी जाती है, कुआं खोदने लगती है और सिर्फ दोपहर के 1 या 2 बजे तक वो पानी निकाल लेती है. जब लौट कर आती है पतिदेव ने कहा कि उसी खेत में मैं कुआं खोद रहा था, पानी क्यों नहीं निकला, तुमने क्या कर दिया? तो वो कहती है आपने पूरे दिन भर में 10 कुएं खोदे हैं, 1 घंटा इधर खोदा, 2-4 फीट 10 फीट खोदा, पानी नहीं निकला, फिर 2-4 10 फीट दूसरे जगह, फिर 15 फीट दूसरे जगह, ऐसे कर करके 10 जगह पे खोदा और पानी नहीं निकला, और मैंने बस 1 जगह कुआं खोदा और पानी निकल गया. तो पति कहता है कि आखिर वो कौन सी सोच थी जिसके कारण से तूने कुआं खोद लिया और पानी निकाल दिया, मैं क्यों नहीं कर पाया? तो वो माँ बड़ी अच्छी बात कहती है. वो कहती है पता है रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे जब प्यास से बिलखते हैं, तड़पते हैं, और जब वो कहते हैं अपनी मासूम सी आवाज़ में कि माँ प्यास लग रही है, तो उस समय मेरे कलेजे में आग लग जाती है. उस वक्त मेरे कलेजे में आग लगती है, इतनी रोती और बिलखती हूँ कि मुझे लगता था बार बार कि या तो मैं अपने कलेजे की आग को बुझाने के लिए मेहनत करूँ या फिर अपने बच्चों को प्यास से मरने के लिए छोड़ दूँ. मैं कुआं नहीं खोद रही थी. वो कहती है माँ मैं कुआं नहीं खोद रही थी, मैं तो अपने कलेजे की उस अग्नि को बुझाने के लिए और अपने बच्चों के गलों को तृप्त करने के लिए मैं कुआं खोद रही थी और तब जाकर पानी निकला. बेटा याद रखना, पढ़ाई के लिए पढ़ाई करोगे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा. अगर मकसद आपका बहुत बड़ा नहीं है, उस मकसद के लिए क्या आप मरने के लिए तैयार हो? उस मकसद के लिए क्या आपकी नींद हराम हो रही है? उस मकसद के लिए क्या आपकी सारी चीज़ें छूट रही हैं? उस मकसद के लिए क्या आप हमेशा अपने आप को एक दीवानगी में महसूस कर रहे हो, एक नशा में चल रहे हो? उसके लिए आपको टाइम आप भूल जाते हो, उसके लिए भोजन का इंटरेस्ट भूल जाते हो, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो? आप जिस दिन पढ़ाई करते हो उस दिन आपको ऐसा लगता है कि बस आज ही जीवन का अंतिम दिन है, जो पढ़ना है आज ही पढ़ लो, फिर दोबारा मौका नहीं मिले. अगर इस तरीके का मकसद आपके जीवन में आएगा तो कभी मन नहीं भटकेगा. सपोज एक छोटी सी बात, एक छोटा उदाहरण के रूप में, आप यहां से घर जाओगे, कितनी दूरी पे घर है आपका? 7 किलोमीटर दूर है. जब घर जाते हो तो घर के आजू बाजू आपकी सड़क के बगल में अकल में घर दिखते हैं, दुकानें दिखती हैं, लोग दिखते हैं, गाड़ियां दिखती हैं, दिखती है ना? लेकिन एक बस उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूं, घर में किसी दिन अगर आग लग जाए और फोन पे कॉल आ जाए घर में आग लग गई वर्षा, उस दिन जब जाओगी तो क्या बगल की दुकानें दिखेंगी, लोग मित्र दिखेंगे?
उस समय सिर्फ घर की याद याद रहेगी कि घर पहुंचना है। फिर टाइम की भी परवाह नहीं होगी, अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो तुम पैदल दौड़ते हुए भागते हुए पहुंच जाओगी। वो मकसद है घर पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आग लगी है। अगर ऐसे मकसद जीवन में बनेंगे तो फिर आपका मन कैसे डिस्ट्रैक्ट होगा? जिस दिन आग लगती है उस दिन मन डिस्ट्रैक्ट होगा किसी का? नहीं लगता ना। मुझे एक छोटी सी बात, मैं छोटा प्रसंग अपने जीवन की घटना को बताता हूं। हरिद्वार से ऋषिकेश रात्रि में जंगल के रास्ते से मैं जा रहा था, हरिद्वार से ऋषिकेश। मेरे साथ जो बाइक पे चल रहे थे वो आगे चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। रात के 7:30 बजे के आसपास जंगल के रास्ते में, राजा जी नेशनल पार्क के जंगल से मैं गुजर रहा था। क्या हुआ, चांदनी रात में मैंने देखा कि एक हिरण का बच्चा, छोटा सा हिरण का बच्चा सड़क पे टहल रहा है, बड़ा सुंदर सा था। मैंने तुरंत से भैया को कहा, रोको, मैं इस बच्चे को लेके जाना चाहता हूँ। मैं गया, उस बच्चे को पकड़ लिया, बड़ा प्यारा सा हिरण का बच्चा था, और लेकर मैं बाइक पे पीछे बैठ गया। बाइक की स्पीड जब बढ़ने लगी तो उसकी माँ पीछे पीछे दौड़ने लगी, उसकी माँ पीछे पीछे दौड़ने लगी। हिरणी है, शक्ति ज़्यादा तो है नहीं, लड़ सकती नहीं हम सबसे, लेकिन भैया ने कहा कि रुको ना, कितनी देर दौड़ती है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने उस जंगल के रास्ते में 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चलाया था, और 100 किलोमीटर की स्पीड में भी वो माँ पैरेलल दौड़ रही थी हमारे साथ में। जब तक हम गाड़ी रोक कर बच्चे को छोड़े नहीं तब तक वो माँ गई नहीं, वो दौड़ रही थी हमारे से बराबरी करने के लिए, नहीं अपने बच्चे को पाने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए दौड़ रही थी। मकसद बेटा अगर तुम्हारे जीवन में बड़ा है ना तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। आईएएस बन के क्या करना चाहती हूँ ये सोचो, एक बड़ा मकसद लेकर जाओ, पागल हो जाओ। दुनिया के विश्व के सभी साइंटिस्टों को लोगों ने पागल कहा। अल्फ्रेड नोबल का नाम सुना? नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सुना है, सबसे बड़ा पुरस्कार। जब नोबेल अपने शोध कार्य करते थे तो आपको पता है नोबेल की पत्नी नोबेल को छोड़कर किसी मैथमेटिशियन के साथ चली गई, नोबेल को छोड़कर मैथमेटिशियन के साथ चली गई। इस पागल के साथ कौन रहेगा, उठता है बैठता है खाता है अपने लैब में रहता है, इसके अलावा जीवन में इसका कोई काम ही नहीं है। नोबेल को कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है या छोड़ के चली जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोबेल ने जब अपने उस शोध को पूरा किया तो पत्नी का नाम कहीं विश्व के इतिहास में आता है? लेकिन नोबेल का नाम इस विश्व के इतिहास में, विश्व का इतिहास जब तक रहेगा तब तक नोबेल का नाम जिंदा रहेगा। मकसद था नोबेल के पास। मीराबाई जब अपने श्री कृष्ण को पाना चाहती थी, श्री कृष्ण की दीवानी, श्री कृष्ण की भक्ति में नाचती थी गाती थी, तो मीराबाई की जो सास थी वो कहती थी ये कुलक्षणी है, ये कुल्टा है, ये समाज में हमारी बदनामी करा रही है, इसके कारण से राज परिवार का नाम ध्वंस हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन आज विश्व के इतिहास में मीराबाई के सास का नाम आपको पता है? पता है मीराबाई इस विश्व के इतिहास में जब तक श्री कृष्ण का नाम रहेगा तब तक मीराबाई जीवित रहेगी। बेटा ये मत सोच, इन डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर अगर ध्यान दोगी तो उस सास की तरह तुम्हें भटका देगी, तुम मीरा नहीं बन पाओगी। उस पत्नी की तरह तुम्हें ये डिस्ट्रैक्शन भटका देगा, तुम्हें नोबेल नहीं बनने देगा, तुम्हें अमर नहीं होने देगा। किसको देख लो, बुद्ध की बात। बुद्ध के पिता ने कहा था कि अरे तू भीख मांग रहा है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध जब लौट कर गए थे अपने राज्य में तो पिता ने सैनिक को बुलाया था और बोला था, जा बुद्ध को बुला के ला, सिद्धार्थ को बुला कर ला, मेरे राज्य में आकर भीख मांग रहा है, पूरा राजपाट देने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा था, बाबूजी जो राजपाट मुझे मिला है वो तो शायद आप कभी महसूस भी नहीं कर सकते हो, मुझे क्या मिला है। जब जीवन में तुम छोड़ोगी ना तब जाकर कुछ मिलता है, जब तक तुम अपनी रुचियों को पकड़े रहोगी, रुचियों का कोई ना कोई अंश तुम्हारे अंदर है। अब एक बात सोचो, एक छोटी सी बात, बच्चे आप लोग मेले गए हो, मेला में गए हो, मेला में कभी जाना, छोटे से बच्चे को लेके जाना, जैसे छोटी बच्ची बैठी हुई है, छोटे बच्चों को देखना जब मेले की दुकान में, जब बैलून की दुकान पे, खिलौने की दुकान पे, आइसक्रीम की दुकान पे,
वो बूढ़ी माँ वाली जो केश होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं इस क्षेत्र में, क्या बोलते हैं? हवा हवाई। अच्छा नाम है हवा हवाई। हो या कोई भी खिलौना हो, अगर आप बच्चे को लेकर जाओगे ना तो बच्चे क्या करते हैं, पापा ये दे दो, मम्मी ये दे दो, मम्मी बैलून चाहिए, मम्मी खिलौना चाहिए। लेकिन पापा जी मम्मी जी गुजर जाती हैं, ना उनको बैलून दिखता है, ना खिलौना दिखता है, ना वो हवा हवाई दिखती है, ना कोई मिठाई दिखती है। क्यों? बैलून ने क्या उस बच्चे को परेशान किया, छेड़ा बैलून ने? क्या उस हवा हवाई ने बच्चे को छेड़ा है? क्या उस मिठाई ने बच्चे को छेड़ा है? आकर मिठाई कहती है बेटा ये ले ले, किसी ने कहा नहीं? बच्चे के माता पिता को वो बलून परेशान क्यों नहीं कर रहा है, बच्चे को परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चे के अंदर बलून है, अंदर का बैलून बाहर के बैलून को बुला रहा है, मुझे वो बैलून चाहिए। अंदर का वो हवा हवाई बाहर के हवा हवाई को अट्रैक्ट कर रहा है, अंदर के खिलौने बाहर के खिलौनों को बुलाता है। आपके अंदर जो है उसके प्रति आपका आकर्षण बना रहेगा। शराबियों को देखते हो, शराबी कहते हैं हम पीना नहीं चाहते, फिर पीते क्यों हो? तो एक शराबी कहता है क्या करें, दोस्त पिला देते हैं, मैं तो पीना नहीं चाहता, दोस्त पिला देते हैं। मैंने कहा कि मैंने बहुत सारी शराब की बोतलें देखी, कभी शराब की बोतलों ने तो किसी को कहा नहीं कि आओ मुझे पी लो। लेकिन इंसान पीता है ना, यानी जिसके अंदर एक शराबी जीवित है तब तक बोतलें उसे आकर्षित करते रहेंगी। तुम्हारे अंदर की चीजें बाहर से आकर्षण पैदा करती है, जिस दिन अंदर की बोतलें मर जाती हैं उस दिन बाहर का शराबी भी खत्म हो जाता है। आपके अंदर अगर भूख थोड़ी भी बची होगी तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। बेटा बैठो आराम से, शांति से सोचो, और शांति से सोचने के बाद से विचार करो। एक छोटा प्रयोग मैं बता देता हूँ, उसको करके देखना, क्योंकि आप सभी की 15 वर्ष से ऊपर की उम्र हो गई है। उस प्रयोग को मैं खुद करता हूँ जिससे मेरा मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। मैं वो प्रयोग बता देता हूँ, मेरे गुरुजी ने बताया था, आज से 20 वर्ष से ज़्यादा समय से मैं भी कर रहा हूँ। सुबह उठते ही फ्रेश होने से पहले, शौचालय जाने से पहले पानी का प्रयोग करना शुरू करो। और कितना पानी लगभग सभी लोग पीते होंगे? नहीं, 1.25 लीटर पानी। कितना? कितना? कुछ बहनें सोचती होंगी पेटवे फट जाए, है ना? 1.25 लीटर में बेटा पेट नहीं फटेगा, गारंटी दे सकता, क्योंकि फटना होता तो मेरा फट चुका होता अभी तक। साबूत रूप से पेट है, कोई सर्जरी नहीं हुई है, पेट नहीं फटता। 1.25 लीटर पानी पीना, फ्रेश होने से पहले, शौचालय जाने से पहले पीना शुरू करो। अगर ये एक महीने बेटा आपने कर दिया वर्षा, तो आप देखोगे आपके मन का भटकना रुकने लगेगा। क्यों भटकता है मन? कल की जो यादें हैं ना, कल वाली बातें आज शरीर बन जाएंगी, आज की बातें कल शरीर बनेंगी, कल की बातें परसों शरीर बन जाएंगी। हमेशा ऐसा ही होता है। आप कल की जो नकारात्मक बातें आपके मन में आई हैं, सुबह सुबह अगर उसे पानी के द्वारा धुलाई आपने कर दिया, तो आप देखोगे आपका मन शांत हो जाता है। आपका मन डिस्ट्रैक्ट होता है क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा का सबसे अच्छा प्रभाव जल पे पड़ता है। जल से जीवन की शुरुआत करो। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं आपने देखे होंगे, सबसे पहला भगवान विष्णु का अवतार होता है जिसमें जल से मछली के रूप में भगवान विष्णु उत्पन्न होते हैं। कथा सुनी आपने? भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार होता है, फिर ढेर सारे अवतार उनके होते हैं। यानी जीवन की शुरुआत जल से होती है, आप दिन की शुरुआत जल से करना शुरू कर दो।